फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास ये पोको M3 है तो कैसे आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यही सिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने फ़ोन के सेटिंग्स को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, उसके बाद जो है आपको कर देना है इस पर क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको सबसे नीचे देखने को मिल जाता है रिसेट वाईफाई नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ब्लूटूथ पर क्लिक कर देना है, रिसेट सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अगर पासवर्ड या पैटर्न लॉक सेट किया है आपने तो आपको इसको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको ओके कर देना है। तो आप इसी तरह से ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सएप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।